हेलो। हाँ बच्चों, चलिए सुनिए। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा, मोल कंसेप्ट, उसकी लास्ट लेक्चर लेते हैं बेटा, ठीक है ना? तो अब सुनो, आज अपन पढ़ेंगे बेटा सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है ना? तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या है बेटा, वो मैं आपको सिखाता हूं ढंग से, ठीक है ना? तो सिग्निफिकेंट फिगर देखिए बेटो, है ना? सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या है वो हमें देखना है, ठीक है ना? तो देखो बेटा, सुनो। चलिए, कल अपन ने कुछ स्टार्ट किया था, बोलो बच्चों। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, देखिए बच्चों सुनो। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझाने के लिए एक बड़ा सिंपल सा फंडा काम है लेते हैं अपन। मान लो कि मेरे पास ये कोई एक, मान लीजिए ये कोई लकड़ी है ये, ठीक है? ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसको देखूं, इस वुड को, है ना, तो क्या खास बात है इसमें, देखिए बेटा सुनिए। इसमें क्या है कि मान लीजिए इसकी मेजरमेंट की मैंने, है ना, मैंने बोला इसकी जो लेंथ आ रही है वो ये आ रही है 23.4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों? इसकी जो लेंथ आ रही है वो 23.4 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब करना क्या है हमें, देखिए ये जो 23 है ना, ये तो फिक्स है ना, ये तो एकदम सर्टेन है। लेकिन ये जो 4 है ना, ये बच्चों क्या है, ये अनसर्टेन है। अब हो सकता है कि इसकी जो लेंथ है ना वो 23.3 सेंटीमीटर भी हो सकती है, और हो सकता है वो आपकी 23.5 सेंटीमीटर भी हो सकती है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना? हमने क्या बोला कि जो हमने इसको लिया है ना बेटा, जो हमने इसको लिया है उसमें क्या है, देखो बेटा, फर्स्ट जो डिजिट है, फर्स्ट 3 डिजिट, वो तो क्या है, वो तो सर्टेन है। और जो लास्ट डिजिट है ना, वो क्या बच्चों, देखो वो आपकी अनसर्टेन है, दिख रही है बच्चों आपको, है ना? वो जो है वो अनसर्टेन डिजिट है। तो देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब बड़ा सिंपल है। देखो अपन क्या बोलेंगे, ऑल सर्टेन डिजिट प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है ना? क्या है बेटा, ऑल सर्टेन डिजिट एंड लास्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है बेटा? ऑल सर्टेन डिजिट प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट जो है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन बोल रहे हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बेटा? तो अब देखो बेटा, अब है क्या, अपन बात करें अब देखिए, अगर मैं बात करूं देखो बेटा,
अपन बात करते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको समझना ढंग से आप लोग, है ना, कि क्या रूल्स हैं। तो रूल्स को मैं समझाता हूँ आपको, अच्छे से सुनते जाइए। देखिए रूल्स में क्या है, हाँ भैया देखो सुनो, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखिए बच्चों, सबसे पहला अपन क्या करेंगे कि जितने भी अपन क्या बोलेंगे, ऑल नॉन जीरो जो डिजिट है, ऑल नॉन जीरो डिजिट है ना, वो क्या होती है बच्चों, वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नॉन जीरो डिजिट समझते हैं बच्चों, बताओ नॉन जीरो डिजिट समझते हो आप लोग, है ना। देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 है ना, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन जीरो डिजिट है ना। ये हमेशा और हमेशा क्या होगी बच्चों, ये हमेशा और हमेशा क्या होगी आपकी, ये हमेशा और हमेशा आपकी बोलो बच्चों क्या होगी, ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट है। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट बात अगर अपन करें क्या, कि जैसे देखो बेटा सारा गेम ही क्या है, सारा गेम है बच्चों आपका जीरो का। अब है ना, जीरो को ढंग से समझना है ना, जीरो को कैसे समझते हैं। देखो बेटा जीरो को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए तीन पार्ट का मतलब समझते हैं अपन, अरे बच्चों टाइम से आ जाया करो तुम। देखो बच्चों सबसे पहले एक होता है बच्चों ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो समझते हैं बच्चों, ट्रैप्ड जीरो किनको बोलते हैं समझते हैं आप। देखो बेटा ट्रैप्ड जीरो का मतलब हो गया जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ठीक है ना, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट है ना, इज नोन एज ट्रैप्ड जीरो है ना, एंड इट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटा, जीरो जो है वो क्या होगा, अगर बीच में आ रहा है तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा। जैसे देखो बेटा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे कहा था बेटा जैसे मेरे पास है, मैंने बोला कि बताओ 843 है ना, 8043 बताओ, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ बच्चों। देखो 843 में तीन है बच्चों, अब देखो बेटा 8043 में क्या है, 8043 में चार हो जाएंगे, ये बीच में आ रहा ना जीरो, तो बीच में आने वाला जीरो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। समझ में आ गया बच्चों, बीच में आने वाला जीरो क्या होगा बोलो बच्चों, सिग्निफिकेंट होगा। अब देखो अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो समझते हैं आप, लीडिंग जीरो समझते हो आप, लीडिंग जीरो किसको बोलते हो। देखो जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, क्या लिखा मैंने, लीडिंग जीरो किसको बोलते हैं बच्चों, जीरो है ना, जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है इट इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है ना बेटा, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। समझ में आ गया, अब देखो लीडिंग को समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे सपोज मेरे पास ये है, देखो 0.075 है बच्चों,
अब 0.075 में देखिए, ये जो दोनों जीरो है ना, ये दोनों जीरो ये नॉन सिग्निफिकेंट है बच्चों, ये दोनों क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। अच्छा 7 और 5 आपको पता होगा ये कैसी डिजिट है बच्चों, नॉन जीरो डिजिट है ना बच्चों। तो बताओ अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे इसमें क्या बोलेंगे बच्चों, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दो है ना बच्चों। बोलो बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स दो है बच्चों, समझ में आ रही है बात, आ रही है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको। बोलो बेटा ये बात क्लियर है सबको। ठीक है अब देखो बेटा सुनो, फिर थर्ड है ट्रेलिंग जीरो है ना। अब बेटा ये जो ट्रेलिंग जीरो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ट्रेलिंग जीरो जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ट्रेलिंग जीरो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। ट्रेलिंग जीरो बच्चों दो टाइप का हो सकता है ना। अब देखिए इफ देर इज डेसिमल है ना, इफ देर इज डेसिमल देन इट विल ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने क्या बोला, अगर ट्रेलिंग की बात करें ठीक है ना, और अगर वहां पर बच्चों डेसिमल है तो वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर देखो इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट देन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। देखो बच्चों हमने क्या बोला, सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिए। सिग्निफिकेंट का मतलब सुनो, हम क्या कहते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें सारे डेफिनेट, समझ में आ रही है बच्चों, सारे डेफिनेट एंड लास्ट जो आपका इनडेफिनेट नंबर है उन डिजिट को आपको काउंट करना है। अब इनके रूल बड़े सिंपल सिंपल है, हम डेसिमल सिस्टम काम में लेते हैं बच्चों 0 से लेकर 9 तक। तो पहला पॉइंट लिखा है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है ना, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। अब सारा गेम 0 पे बच्चों, तो 0 अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ गया, 0 अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ गया ना, तो बेटा क्या होगा, वो हमेशा और हमेशा आपका क्या होगा, 0 अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ गया तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए लीडिंग जीरो की बात करें तो लीडिंग जीरो में क्या हो सकता है, लीडिंग जीरो देखो अगर मैं बोलूं कि लीडिंग जीरो जहां आ रहा है ना, अगर वो किसी आपकी फर्स्ट नॉन डिजिट नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, समझ आ गया। अब देखो बेटा ट्रेलिंग में सुनो, ट्रेलिंग में अगर 0 डेसिमल के बाद आ रहा है या डेसिमल पॉइंट है तो वहां पर वो हमेशा और हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा बच्चों, है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब अपने को करना क्या है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे फटाफट है ना इसके आंसर दीजिए। जैसे देखो बेटा मैंने लिखा 846, फिर मैंने लिखा 3546, फिर मैंने लिखा 704, ठीक है। फिर देखो बेटा मैंने लिखा 5006, फिर मैंने लिखा ये, फिर मैंने लिखा ये, फिर मैंने लिखा ये, फिर मैं लिख रहा हूँ बच्चों 0.0805, फिर मैं लिख रहा हूँ 0.00836, ठीक है बच्चों। अब देखो अपन इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे बताइए आप कि बताइए पहले वाले में बच्चों 3 होंगे, होंगे बच्चों, दूसरे वाले में 4 होंगे, तीसरे वाले में 3 होंगे, कोई दिक्कत नहीं,
फिर देखो बेटा इसमें कितने होंगे, चार होंगे। ये जो फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाले में बताओ बच्चों, फिफ्थ वाले में एक ही होगा, ये काम की बात है। देखो बेटा सुनो, ये दिख रहा है, ये जो जीरो है ना, यहाँ पर कहीं पर भी बच्चों डेसिमल नहीं है, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको वन ही लेना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स वन ही लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो अगले में बताओ, सिक्स नंबर में बताओ बच्चों, सिक्स में थ्री क्यों हुए बताओ बच्चों, सिक्स में थ्री क्यों हुए, क्यों हुए बच्चों, डेसिमल आ गया। अच्छा सेवन में बताओ, सेवन में कितने होंगे बच्चों, फोर होंगे बेटा, फोर होंगे। देखो ये टॉपिक ढंग से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रख लेना बेटा, क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब बताओ इसमें बताओ बेटा कितने होंगे, तीन ही होंगे। अच्छा इसमें बताओ लास्ट नाइन नंबर में, इसमें भी तीन होंगे। हो गए बच्चों, यहां तक तो मेरे हिसाब से एकदम आसान आसान सी बात की हमने, है ना। अब देखो बेटा सुनो, मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, आप फटाफट निकालते जाइए। कुछ नहीं है, बहुत आसान आसान सी बातें। ये बच्चों ठीक है, अब हमें इनका चेक करना है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे बच्चों, कर सकते हैं अपन। देखिए सबसे पहले नंबर टेन में, टेन में बताओ बच्चों, नंबर टेन में बताओ, बोलो बच्चों फाइव होंगे। अच्छा इलेवन में बताओ, इलेवन में बच्चों तीन ही होंगे, होंगे ना बच्चों, पता लग गया। बोलो तीन क्यों हुए, तीन क्यों हुए बच्चों, देखो डेसिमल नहीं है बच्चों, डेसिमल नहीं है। वेरी गुड गोपाल सिंह शेखावत। अच्छा बच्चों 7080 में, 7080 में तीन ही होंगे बच्चों, ठीक है। अब बताओ ये बताओ, थर्टीन में बताओ, थर्टीन में अब बताओ कितने होंगे बच्चों, थर्टीन में डेसिमल लगाया मैंने, थर्टीन में डेसिमल लगाया बच्चों, तो फाइव होंगे, है ना। अगर मैं डेसिमल नहीं लगाता तो, थर्टीन में बच्चों अगर मैं डेसिमल नहीं लगाता तो फोर हो जाते। ओके बच्चों चलिए अब फोर्टीन में बताओ, 14 में बताओ बच्चों कितने होंगे, कितने होंगे बच्चों, तीन होंगे, ठीक है। 15 में बताओ, 15 में फोर होंगे, ध्यान रखना डेसिमल आ चुका है, डेसिमल आ चुका है बच्चों। अच्छा बताओ 16 में बताओ, पांच होंगे। अच्छा 17 में बताओ, 17 में नौ होंगे, होंगे बच्चों। इतना सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर है बच्चों, ठीक है। आसान आसान सी बातें, बट बेटा देखो आजकल आपने देखा होगा कि एग्जाम में बेटा क्वेश्चन वहां से आने लग गए जहां से हम सोचते हैं कि यहां से क्वेश्चन आएंगे नहीं, अब बेटा मामला थोड़ा अलग हो रहा है ना। देखा ही होगा आप लोगों ने कि क्वेश्चन कहाँ से आने लग गए। अब चलते हैं बेटा, देखो सुनो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, अगर अपन बात करते हैं
जैसे देखो बेटा मैंने ये लिखा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। मैंने ये लिखा 2.5059 इंटू 10 की पावर -20, ठीक है। अब देखो बेटा इन कंडीशन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ और सिर्फ इससे देना है, ये वाली जो वैल्यू है ना, इन वैल्यू से दोगे। 10 की जो पावर है ना उससे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकालना है, समझ में आ गया बेटा। 10 की जो पावर है उससे नहीं होगा, तो इसमें बेटा कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, और इसमें कितने आ जाएंगे बोलो, 5 आ जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि 10 टू द पावर इज नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है बच्चों। 10 की जो पावर होगी वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, समझ आ गई बच्चों? बोलो बेटा क्लियर है क्या, बोलो। अब देखिए बच्चों सुनो, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, नेक्स्ट देखो बेटा अपन लेते हैं बच्चों मल्टीप्लीकेशन एंड है ना डिवीजन, है ना, अपन क्या ले रहे हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में बताओ बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है पता है आपको? देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को समझो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए। देखो बेटा जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 4.6 इंटू 3.52, सोल्व करने पर मेरे पास आया ये आया बच्चों, आ गया। अब देखो बेटा ये तो हमारे पास आया एक्चुअल वैल्यू, लेकिन अब हमारी आदत क्या होती है बच्चों, राउंड ऑफ करने की। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे वो समझना बच्चों, मुझे बताओ कि इस डिजिट के अंदर और इस डिजिट के अंदर कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, बताओ कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 2 है बच्चों और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमेशा हमें किसके अकॉर्डिंग बोलो राउंड ऑफ करना है, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, समझ रहे हो बच्चों, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर हो। तो इसका मतलब हमें इसको 2 में करना है, करना है बच्चों, करना है बच्चों। तो अब मुझे बताओ जब आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो बताओ बच्चों इसमें लास्ट डिजिट कौन सी होगी, फिर 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो लास्ट डिजिट बच्चों 6 होगी, 6 होगी बच्चों। 2 डिजिट में अगर राउंड ऑफ करना है तो लास्ट डिजिट 6 होगी। अब लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट 1 है, 1 है बच्चों। आप राउंड ऑफ के रूल जानते हो बेटा, जब लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट आपकी 5 से छोटी होती है तो हम कुछ नहीं करते ना बच्चों, बोलो बेटा जब लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट 5 से छोटी होती है तो हम कुछ नहीं करते, पता है ना। तो देखो बेटा इसका राउंड ऑफ करने पर क्या आया, 16 आया बस, इसको 16 लिखेंगे बच्चों। अरे समझ में आया, और एग्जांपल समझते हैं बेटा, देखो सुनो और लेते हैं अपन। मैंने लिया देखो बेटा 5.64, 12.458, ठीक है, और मैंने लिखा 70.26312, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें 3 है और इसमें 5 है बच्चों। आप मुझे बताओ हमें इसको कहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कितने डिजिट तक, कितने डिजिट तक बच्चों, 3 डिजिट तक। तो यहां से देखो ये 3 काउंट कर लिया, कर लिया बच्चों। ये जो 2 है वो क्या होगी बच्चों, लास्ट डिजिट होगी, होगी बच्चों। अब लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट बोलो बच्चों, वेरी गुड दर्शिका गोस्वामी बेटा, लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट
बोलो फाइव से बड़ी है बच्चों, फाइव से बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट में एक जोड़ देना पड़ेगा, तो बोलो फाइनली क्या होगा 70.3। ये बच्चों क्या आएगा आपका, ये राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल वैल्यू है। आगे बच्चों, योगेंद्र सिंह राठौड़ क्या कर रहा है तू, 71 कैसा आया योगेंद्र सिंह राठौड़? अरे योगेंद्र सिंह समझ में आया तेरे को? हाँ भैया, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं, देखो बेटा 96.752 डिवाइडेड बाय 3.541, ये आ रहा बच्चों देखो 27.32335498। अब बच्चों बताओ इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। देखो सुनो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 है, इसमें 4 है, तो हमें इसको कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा बच्चों, 4 डिजिट तक। तो देखो ये हो गई बच्चों 4 डिजिट, यहां तक ये इसकी आ गई लास्ट डिजिट। आगे बच्चों, लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट 3 है ना बच्चों, 3 है, तो वो बच्चों 5 से क्या है, छोटी है ना बच्चों, 5 से छोटी है, समझ में आ रही है बात बच्चों? तो बेटा क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 27.32। क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा ये बात सबको समझ में आ गई है ना। अब देखो बेटा, सपोज आपको देखो इसने ये दे दिया, ध्यान से सुनना जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखिए बताओ 42.967 0.024 35 डिवाइडेड बाई 0.34 × 4। अब बताओ बच्चों इसका देखो मैं लिख देता हूं सोल्व करने पर 9298। ठीक है, इसका बताओ बच्चों क्या आएगा, देखो बेटा इसमें जो अपन गलती करते हैं वो ध्यान से सुनना। अगर मल्टीप्लीकेशन और आपके डिवीजन में जब भी एग्जैक्ट नंबर आ जाए उसको कंसीडर नहीं करोगे। अगर आपके क्या बोला मैंने कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एग्जैक्ट नंबर आ जाए तो हमारे काम का नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं है, ये 4 बेटा काम का नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है ना, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा राउंड ऑफ, किसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 2 के अकॉर्डिंग है ना। तो अब बताओ बच्चों ये 2 हो गया बच्चों, यहां से देखो ये लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट 5 से बड़ी है बच्चों, 5 से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा 0.77 हो जाएगा। बच्चे बहुत गलत जवाब दे रहे हैं, वापिस सुनो बेटा मैं क्या कह रहा हूं। देखो इस एग्जांपल में आपने क्या किया, इस एग्जांपल में मैंने 4 दे रखा। अब बेटा जब भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपका एग्जैक्ट नंबर आ जाए तो आपको कभी भी उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, जो डेसिमल वाली वैल्यूज है उसी के अकॉर्डिंग देंगे आप। अरे सुन रहे हो मेरी बात? बोलो बच्चों मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कभी भी आपके एग्जैक्ट नंबर को भाव नहीं देना है, एग्जैक्ट नंबर को भाव नहीं देना है, याद रहेगा
देखो क्या लिखेंगे, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना? एग्जैक्ट नंबर इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात समझ आएगी बच्चों? बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? आ गई। अब देखो बेटा, बताओ अगर मैं आपसे ये बोलूं, मेरे पास है 3.1692, 3.00, तो यहाँ मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों देखो 7600। अब मुझे बताओ, अब बताओ इसका राउंड ऑफ करने पर क्या आएगा इसका? बोलो बच्चों, ये बेटा 9.5 है ना, पॉइंट है ये। वेरी गुड गोपाल सिंह शेखावत। तो बच्चों बताओ, इसमें पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 है। इसमें कितने हैं? 3 है। तो हमें किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? हमें किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? दर्शिका गोस्वामी। किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा बेटा? दर्शिका गोस्वामी। 5 के अकॉर्डिंग या 3 के अकॉर्डिंग? 3 के अकॉर्डिंग। तो देखो बेटा, ये 3 काउंट कर ली, ये डिजिट लास्ट होगी, लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 5 से बड़ा है बच्चों, 7 5 से बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ? 9.51 आ गया बच्चों। अरे यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया बच्चों? या किसी को डाउट है? वापिस सुन लो। देखो क्या करना है बच्चों, आपके पास जब भी क्या आ जाए, डिवीजन आ जाए या मल्टीप्लीकेशन आ जाए, तो आपको क्या करना है कि गिवन नंबर्स में जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर एग्जैक्ट नंबर आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं करना है। दो बातें याद रहेगी क्या बच्चों? बोलो बेटा। अरे दो बातें याद रहेगी क्या? देखो मैं ये लिख देता हूं कि इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना, फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम सिग्निफिकेंट फिगर एज द नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? बोलो बच्चों, ये दो पॉइंट समझ में आ गए बेटा? आगे ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अपन आगे चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं बेटा एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन। अब बेटा बात करेंगे अपन एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन की। चलिए मैं ना एग्जाम्पल ही लिखता हूं बेटा, सीधा सीधा देखो, 2.36 एंड 12.1, ठीक है बेटा? ये आ गया मेरे पास। अब बताओ एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, कौन बताएगा? एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? दर्शिका गोस्वामी, वेरी गुड। देखो बेटा एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन में क्या करेंगे बेटा, डेसिमल के बाद जिसमें मिनिमम नंबर है ना, आफ्टर डेसिमल जिसमें लीस्ट है उसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। आफ्टर डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट है। देखो बेटा ये हुआ ये और 12.1, ये हुआ बच्चों, सोल्व करने पर हमारे पास आया 14.46। तो देखो बेटा
डेसिमल के बाद, ये देखो ये ऐसे चलेगा, डेसिमल के बाद मिनिमम, देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना है, आफ्टर डेसिमल यहाँ पे कितना बच्चों, टू है, और यहाँ आफ्टर डेसिमल वन है ना, तो क्या बोलेंगे, फाइनल आंसर शुड हैव वन डिजिट आफ्टर डेसिमल, समझ रहे बच्चों, तो बताओ, अब बताओ लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट फाइव से बड़ी है बच्चों, फाइव से बड़ी है तो क्या करूंगा, बोलो फाइव से बड़ी है तो वन का एडिशन कर दूंगा क्या, बोलो बच्चों कर देंगे क्या, आंसर क्या जाएगा, 14.5 जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं बेटा, देखो सुनो बताओ कि 4.328 प्लस 13, ठीक है, प्लस 5.45, और बेटा इसमें ये है, अब बताओ बच्चों, अब इसका आंसर बताओ, 4.328, 13 डेसिमल लगा रखा है, 5.45, वेरी गुड भास्कर, वेल डन बेटा, हमने क्या देखा कि लीस्ट होना चाहिए, अब लीस्ट तो क्या हो सकता है, डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं हो सकता ना, लीस्ट का मतलब तो डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, तो देखो बेटा इसका मतलब हमें यहाँ रखना है बच्चों, तो अब देखो लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट में क्या हुआ बच्चों, बोलो बेटा लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट में एक ऐड करेंगे क्योंकि फाइव से बड़ा है, तो ये हो गया 23। ये समझ आया बच्चों, बोलो बेटा क्या ये सबको समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देखो बेटा अगर आपके एग्जैक्ट नंबर आ रहे हैं, है ना, एग्जैक्ट नंबर अगर देखो बेटा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आ रहे हैं तो ये क्या है, नॉट यूजफुल, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आ रहे हैं तो बोलो बच्चों यूजफुल होंगे, होंगे बच्चों यूजफुल होंगे, आगे बात समझ में, अपोजिट है ना बेटा, अपोजिट है। अब देखो बेटा सुनो, आईआईटी जेई में दो बार क्वेश्चन आ गए इसके ऊपर, है ना, आईआईटी जेई में इस पे जो दो बार क्वेश्चन आए ना, मैं आपसे पूछता हूँ, देखो बेटा सुनो, सबसे पहले बताओ 25.2 है ना, 25.25 एंड 25.0 डिवाइडेड बाई 3, अब बताओ इसके अंदर आपका क्या आएगा, बताओ बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, सोच के बताना एकदम अच्छे से, एंड फाइनल वैल्यू बताओ, वेरी गुड रिया पूनिया, ये क्वेश्चन आया बच्चों जेई एडवांस 2010 के अंदर, अब देखो इसमें बच्चा क्या गलती करता है, उसको लगता है कि साहब एडिशन भी हो रहा है और डिवीजन भी हो रहा है, तो देखो बेटा अब क्या करेंगे, पहले देखो बेटा सारे ऊपर वालों को जोड़ो, पहले बच्चों सारे ऊपर वालों को जोड़ो, आप जोड़ दिया बच्चों, है ना, अब जब मैंने सारे ऊपर वालों को जोड़ दिया तो बेटा एक बार बताओ क्या आया, मेरे पास आया 75.45 आ गया बच्चों, अब मुझे बताओ जो 75.45 आया है, आया बच्चों, उसमें मुझे लास्ट डिजिट कौन सी होगी, 75.45 है, बताओ बच्चों, फोर हुई ना, फोर हुई बच्चों, क्योंकि एडिशन में डेसिमल के बाद देखना है, तो ये लास्ट डिजिट होगी बच्चों, बोलो बेटा हो गई क्या, ये लास्ट डिजिट होगी, अरे देखो बेटा यहाँ एक डिजिट है एडिशन के अंदर, यहाँ पर दो डिजिट है और यहाँ एक है, तो एडिशन और, बोलो बच्चों
एडिशन के अंदर और सब्सट्रैक्शन के अंदर हम फाइनल आंसर में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद लीस्ट वैल्यू रखेंगे, लीस्ट डिजिट रखेंगे, तो एक ही रखना पड़ेगा। अब ये चेक करना पड़ेगा बेटा कि इस लास्ट पॉइंट के बाद वाला पॉइंट 5 ही आ गया, अब क्या करें? बोलो बच्चों, अब बताओ बच्चों क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेल डन। देखो बेटा सुनो, इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट है ना 5 ही आ जाए, लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट बच्चों 5 ही आ जाए, तो अब क्या करना है? अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो कुछ छेड़खानी नहीं करोगे, और अगर लास्ट डिजिट आपकी ओड नंबर है तो उसमें ऐड करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखो बच्चों, इफ डिजिट आफ्टर लास्ट डिजिट इज 5, देन नो चेंज इफ लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, and there will be addition of 1 if last digit is odd number. क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो बच्चों क्या ये बात समझ में आई? क्या लास्ट डिजिट के बाद, समझ पा रहे हो मेरी बात, मैंने क्या बोला? बोलो बच्चों, ठीक है ना? भी देखो यहां क्या है, यहां आपकी जो लास्ट डिजिट है वो 4 कैसे हुई, पहले पता लगा मैंने 4 कैसे डिसाइड की? बोलो बच्चों मैंने 4 कैसे डिसाइड की पता लगा? ऊपर की वैल्यू देखो बेटा, 25.2 25.25 25.0, तो इसमें डेसिमल के बाद एक रखना है, रखना है बच्चों। बोलो बेटा अब क्या किया मैंने कि लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट बेटा 5 के बराबर ही आ गई, तो अब लास्ट डिजिट पे डिपेंड करेगा कि लास्ट डिजिट इटसेल्फ एक इवन नंबर है तो कुछ नहीं करेंगे, तो अब बताओ बेटा क्या होगा? 75.4 ही रखूंगा क्या? 75.4 ही रखूंगा, और इसको बेटा आप सोल्व करोगे डिवाइडेड बाय 3 तो आप कर लोगे बच्चों, तो बताओ, आप बताओ मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बता दो, सीधा सीधा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे क्या? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ जाएंगे बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों आपके जेई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये कब आया हुआ है? 2010 के अंदर। अब देखो बेटा सुनो, अभी रिसेंट भी एक जेई में क्वेश्चन आया है बच्चों, 1.380 इनटू 10 की पावर -23 एंड 6.023 इनटू 10 की पावर 23। बताओ बच्चों नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक काम करता हूं मैं, पूरा वैसे लिख देता हूं, देखो इसको सोल्व करने पर ये आ रहा बच्चों 8.31174, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ आप जब इसको फाइनली राउंड ऑफ करोगे तो फाइनली राउंड ऑफ करके बताओ, फाइनली राउंड ऑफ करके बताओ वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, 8.312, वेरी गुड। देखो बेटा इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो यहाँ 4 लेना है। अब लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट क्या है आपकी? 5 से बड़ी है, तो एडिशन हो जाएगा 8.312। योगेंद्र सिंह राठौड़, आपको समझ में आया बेटा? योगेंद्र सिंह राठौड़, ठीक है। चलो बच्चों
ये बताओ बेटा, इस क्वेश्चन को बताओ, 71.1 प्लस 29.2 मल्टीप्लाइड बाई, ये लिया मैंने 1 वैल्यू लिखी है, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फाइनल आंसर, है ना। ऑप्शन दे रहा है 3, फिर कह रहा है 4, फिर कह रहा है 2, फिर कह रहा है 1। बताओ बच्चों कैसे करेंगे, 3, 4 क्या आएगा बच्चों, बोलो बेटा 3, 4 क्या आएगा। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सोल्व करो बेटा। देखो अब ये क्या हो गया, ये हो गया देखो बेटा 100.3, ये हो गया बच्चों 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 1.234 हो गया बच्चों। अरे समझ में आया क्या, 71.1 एंड 29.2 को मैंने जोड़ दिया बच्चों। बोलो बेटा अब बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर 4 आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब बताओ इसमें, बताओ बच्चों अगर मैं बोलूं 5.56 का स्क्वायर 8.24 डिवाइडेड बाय 3.6, अब बताओ बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, 2 होगी। तो देखो अपन क्या बोलेंगे, इन फाइनल आंसर, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2 होंगे बच्चों, होंगे, ठीक है बेटा। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए मेरे पास बेटा ये है कि 24.24, है ना, आपको क्या करना है, एक मिनट रुको बेटा, मैंने लिखा 25.7630 माइनस 24.24, है ना। अब आपको बताना है सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल आंसर, और ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, देखो आपको दिया हुआ, देखो 1.523, फिर आपको दे रहा है 1.5230 एंड 1.5, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, ये फिर इसने ऐसे पूछ लिया। देखो बेटा सुनो, इसने क्या पूछ लिया, है ना, करेक्ट आंसर, है ना। बोलो बच्चों क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या ध्यान रखना है बच्चों, डेसिमल के बाद जिसमें लीस्ट है। अब इसको सोल्व करने मत बैठ जाना, आप सीधा सीधा देख लो, तो डेसिमल के बाद बच्चों हमें लीस्ट नंबर को देखना है, तो लीस्ट नंबर के अकॉर्डिंग देखो बेटा 2 है तो ये चला जाएगा बेटा। आ गया क्या समझ में, बोलो बच्चों आ गया। अब बताओ बेटा ये बताओ, मैं देखो कि आपसे बोला जाए कि द प्रॉपर वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 38.0 प्लस 0.0035 प्लस 0. मैं नीचे लिखता हूं बेटा, उधर जगह नहीं है, यहां पे प्लस करना है 0. ये ठीक है, और ऑप्शन दिए इसने बेटा 38, फिर दिए हैं 3,
एक मिनट, 38, फिर है 38.0035, फिर है 38.00353 एंड फिर है 38.0। अब बताओ द प्रॉपर वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, बोलो बच्चों क्या होगा, आप बताओ। डेसिमल के बाद लीस्ट वैल्यू रखनी है, डेसिमल के बाद, तो आंसर विल बी डी हो जाएगा। ए मत करो बच्चों, ए मत करो, है ना। आ गया बच्चों समझ में, आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब ध्यान रखना कि ऑन चेंजिंग यूनिट, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर विल नॉट चेंज। ये ध्यान रखना बेटा, ऑन चेंजिंग, आप यूनिट चेंज करो, जैसे मान लो केजी को ग्राम के में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे देखो बेटा सुनो, मान लीजिए मेरे पास ये है 0.54, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास किलोमीटर है बेटा। अब मुझे बताओ 0.54 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, बोलो बच्चों, दो है। अब देखो बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया 54 मीटर, इसमें भी कितने, इसमें भी कितने बच्चों, दो ही है। तो ध्यान ये रखना कि यूनिट चेंज करने पर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों, यूनिट चेंज करने पर चेंज कैसे हो सकता है, यूनिट तो चेंज की है ना, एक्यूरेसी कैसे चेंज हो सकती है, समझ आ गया। तो देखो बेटा नेक्स्ट, देखो अपन क्या बोलेंगे नेक्स्ट, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। देखिए अगर आपके पास एग्जैक्ट नंबर है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे मैं ये कहता हूं बेटा कि देखो आपकी एक क्रिकेट की टीम है बच्चों, क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर हैं बच्चों। अब ये बच्चों फिक्स है ना, 11 ही होंगे, पाई में भी बेटा इनफाइनाइट होंगे, तो 11 प्लेयर फिक्स हैं। अब आप क्या बोल सकते हो, आप चाहो तो इसमें ना लिखते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जितना लिख सकते हो, है ना, आपकी जहां तक इच्छा है, बोलो बेटा। इसमें कहीं पर भी कोई इनएक्यूरेसी का मुद्दा है क्या, इसमें कहीं पर भी कोई इनएक्यूरेसी का मुद्दा है क्या, एक्यूरेट है ना बेटा, अरे एक्यूरेट है, बोलो बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक क्लास है ना, उस क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब 120 अगर स्टूडेंट है ना बेटा तो फिक्स है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 120.1 स्टूडेंट है या 119.5 स्टूडेंट है, हो सकता है क्या बच्चों? अरे अगर 120 स्टूडेंट है तो पूरे 120 है, अरे डेसिमल में आ सकता है क्या, कुछ आ सकता है क्या, बोलो बच्चों, नहीं ना, ठीक है। अब देखो बेटा राउंडिंग ऑफ का रूल समझ में आ गया क्या आपको, राउंडिंग ऑफ का रूल समझ में आ गया। एक बात बताओ बच्चों, मुझे बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, देखो 3.35 इसको बेटा आपको है ना टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है बच्चों, बताओ 3.35 को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है तो कैसे करोगे। देखो बेटा ये टू हो गए, लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट फाइव ही आ गई बच्चों, फाइव आ गई ना। अब देखो जब फाइव की इक्वल आ गई तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट इटसेल्फ एक ओड नंबर है, ओड नंबर है तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा ना, तो 3.4 आ गया। अब बताओ बेटा अगर मैं ये कर देता हूं और इसको भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है तो अब क्या करोगे, वेरी गुड, अब क्या करोगे,
ये 3.25 है बेटा, है ना? तो देखो दो सिग्निफिकेंट, तो ये बच्चों कितना आएगा, 3.2 आएगा ना, ये 3.2 आएगा बच्चों, आ गया, क्लियर है, आ गया क्या बच्चों? अब देखो मुझे एक बार आता बेटा, अगर आपसे कोई ये बोले कि अरुणा क्या नहीं है समझ में, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है अरुणा 3.25 में? अरे दो डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो लास्ट डिजिट 5 थोड़ी ना बोलेंगे, फिर 2 बोलेंगे ना, 3.25 को राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो लास्ट डिजिट 2 ही, 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और इवन नंबर अगर है तो अब क्या करेंगे, अब अपन कुछ नहीं जोड़ेंगे ना अरुणा, समझ में आया तेरे को? चलो बच्चों ये बताओ, देखो मेरे पास है 23.168526, इसको आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है। मैं बोलता हूं ना कि बेटा लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट ये नहीं बोल रहा मैं, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपसे करवाना चाह रहा हूं, अभी मैं कितने में करवाना चाह रहा हूं बताओ बच्चों, अभी मैं कितने में करवाना चाह रहा हूं आपसे, 5 डिजिट में ना, तो इधर से काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, तो अब लास्ट डिजिट बच्चों आपकी 8 हुई। अब मुझे बताओ लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट 5 है बच्चों, तो अब जब 5 ही आ गई तो क्या करेंगे, तो अब हमें लास्ट डिजिट को देखना पड़ेगा, लास्ट डिजिट क्या एक इवन नंबर है ना, लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना बच्चों, कोई चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो आंसर क्या जाएगा 23.168। अरुणा प्रजापत आप अभी भी आंसर गलत दे रहे हो, अरुणा प्रजापत आप अभी भी आंसर गलत दे रहे हो, समझ में नहीं आएगा। अरुणा प्रजापत समझ में नहीं आया बेटा, देखो बेटा सुनो, अगर लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट 5 से छोटी है ना, तो आपको कोई चेंज नहीं करना, 5 से बड़ी है तो क्या करते हैं अपन, 1 का एडिशन कर देते हैं, अब 5 के बराबर ही आ गई तो दिक्कत होती है, तो 5 के बराबर आ गई तब क्या करें, अब क्या करना पड़ेगा कसिस, यही तो समझा रहा हूं, सुन क्यों नहीं रही मेरी बात तू, मैंने क्या बोला कि अगर लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट 5 के बराबर ही अगर आ गई तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इवन ओड का फंडा लगाना पड़ेगा। देखो सुनो ढंग से, जैसे मान लो मेरे पास ये बच्चों 3.22 है बच्चों, 3.22, अब मुझे क्या करना है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है, तो लास्ट डिजिट ये हो गई बच्चों ये, अब देखो लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट 5 से छोटी है तो बोलो इसका रिपोर्ट डेट सम 3.2 होगा, कसी समझ में आया, कसिस तेरे को समझ में आया? ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास 23.126732, आपको इसको क्या करना है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको इसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, तो 6 के अकॉर्डिंग देखो बेटा ये 2 3 4 5 6, यानी बच्चों हमारी जो लास्ट डिजिट है ना वो क्या होगी, 7 होगी, 7 होगी। अब आपको क्या देखना है कि 7 के
जस्ट बाद वाली डिजिट क्या है, 5 से छोटी है ना, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे तो क्या आएगा, 23.167। ये समझ में आ गया? इतना समझ आया? जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, समझ में आया क्या? अब देखो, अब अगर मान लो मैंने ये लिया बच्चों 3.27 और मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है, तो 2 मतलब ये हो गए, ये लास्ट डिजिट होगी। फिर लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट क्या बोलो, लास्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट बच्चों क्या है, 5 से बड़ी है तो 1 जोड़ देंगे। अब देखो, अब मान लो ऐसा आ गया कि मेरे पास ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई। कशिश अब समझ, अब देख, इसको भी आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में और इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। तो अब क्या करेंगे, देखो बच्चों सुनो, अब देखो बेटा, लास्ट डिजिट ये है हमारी, इसके बाद वाली डिजिट 5 ही आ गई ना। अब 5 आ गई तो ना तो 5 से बड़ा वाला केस लगा ना 5 से छोटा, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये लास्ट डिजिट को खुद को देखो, देखो बेटा ये इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर है ना तो कोई चेंज नहीं करते, तो ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया बच्चों 3.2। अब देखो ये लास्ट डिजिट है, इसके बाद वाली देखो बेटा 5 है। अब बताओ लास्ट डिजिट इटसेल्फ क्या है, एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो बोलो बच्चों क्या करोगे, 3.4 करोगे क्या? अरे समझ में आया कशिश, समझ में आया बेटा तेरे को? ठीक है, तो बेटा देखो अपना ये जो चैप्टर था फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो मैंने पूरा करवा दिया आपको, ठीक है ना, वो अपन ने पूरा कर लिया है, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को करना है बेटा, ठीक है ना। देखो बेटा अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर से बच्चों आपके 1 से 2 क्वेश्चंस नीट और जेई में आते ही आते हैं, और 11th में तो है ही, वो तो जो आते ही आते हैं। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बात एक एटम की करें तो बेटा देखो एटम में 2 पार्ट होते हैं, है ना, क्या क्या होते हैं देखो, एक होता है बच्चों देखो न्यूक्लियर पार्ट, और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। 2 पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है ना। समझ में आई बात, मैंने क्या बोला, एक तो देखो न्यूक्लियर पार्ट में कौन कौन मिलेंगे बच्चों बताओ, न्यूक्लियर पार्ट में कौन कौन मिलेंगे बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, क्या बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली, न्यूक्लियॉन बोलते हैं बच्चों। अच्छा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन मिलता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन मिलता है बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलते हैं कि एक जो एटम होता है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बच्चों। अब जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है
इसका मतलब बताओ बच्चों क्या, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं ना, होते हैं बच्चों, बोलो होते हैं। अब एक चीज बताओ, देखो बेटा अगर अपन बात को आगे ले, देखिए सुनिए क्या, कि जैसे सपोज हमारे पास ये एक चीज है बेटा, अब सुनना, देखो बेटा इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या हो गया, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गए कि नहीं हो गए बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों कि यहां पर देखो, यहां ये दोनों इक्वल नंबर में है बच्चों, यहां ये दोनों इक्वल नंबर में, लेकिन यहां इक्वल नंबर में नहीं है ना, इक्वल नंबर में नहीं है। अब देखो बेटा, एक तो बना पॉजिटिव चार्ज और एक बना नेगेटिव चार्ज, ये पता है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज वाला डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी रेज बनाएगा, बोलो बच्चों ये कौन सी रेज बनाएगा, पॉजिटिव रेज, और इलेक्ट्रॉन कौन सी रेज बनाएंगे बच्चों बताओ, अरे इलेक्ट्रॉन कौन सी रेज बनाएंगे, नेगेटिव या अपन क्या बोलेंगे उनको, बोलेंगे बच्चों कैथोड रेज, ये बात समझ में आई, कैथोड रेज। अब देखो बेटा सुनो, सपोज अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए मेरे पास ये है, एक बात बताओ आप मुझे बताओ, पॉजिटिव रेज आपकी एक बनी Na प्लस की और एक बनी Mg की, ठीक है, एक मैंने ये भी ले लिया बेटा H प्लस और ये ले लिया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या सोडियम मैग्नीशियम और हाइड्रोजन इन सब की पॉजिटिव रेज एक जैसी है क्या, क्या इनकी पॉजिटिव रेज एक जैसी है क्या बच्चों, बोलो, अरे सुन रहे हो क्या, अरे बच्चों सोडियम की मैग्नीशियम की और हाइड्रोजन की पॉजिटिव रेज क्या सारी एक ही जैसी है, एक जैसी कैसे हो सकती है बच्चों, देखो सोडियम का मास अलग है, सोडियम में चार्ज अलग है ना बच्चों, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या है, आप क्या देख रहे हो कि मास अलग चार्ज अलग है ना, हाइड्रोजन का मास अलग चार्ज अलग, तो अपन क्या बोलेंगे, देखो कि जो पॉजिटिव रेज है ना उसका फॉर्मेशन तो डिपेंड करेगा ना नेचर ऑफ गैस के ऊपर, बोलो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव रेज, बोलो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में जिस गैस को लिया उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा क्या, अरे अलग अलग है तो करेगा। अब मुझे बताओ कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इनमें कुछ डिफरेंस होता है क्या, इनमें कुछ डिफरेंस होता है क्या, इलेक्ट्रॉन तो सारे बच्चों एक ही जैसे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो सारे एक ही जैसे होते हैं बच्चों, बोलो, तो जब इलेक्ट्रॉन सारे एक जैसे होते हैं है ना, तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि क्या सबकी कैथोड रेज एक ही जैसी होगी, सबकी कैथोड रेज एक ही जैसी होगी बच्चों, होगी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो बेटा क्या कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस विच वी टेक इन डिस्चार्ज ट्यूब, बोलो बच्चों सही बात है, व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, क्या ये पॉइंट समझ आया बच्चों, अरे ये पॉइंट समझ में आया क्या, सबकी पॉजिटिव रेज एक जैसी नहीं होगी,
लेकिन सबकी कैथोड रेज क्या होगी? सबकी कैथोड रेज एक जैसी होगी बच्चों, बोलो बेटा, होगी, है ना? तो चलो कल अपन इसको ढंग से पढ़ेंगे, है ना, पूरा अच्छे से कल अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर कैथोड रे से अपन स्टार्ट करेंगे। आज अपन क्लास खत्म करते हैं और इवनिंग में सारी क्लास लेनी है बेटा, कोई भी इवनिंग वाली क्लास छोड़ेगा नहीं, ठीक है?